दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं राहुल रॉय जी की सभी फिल्मों के बारे में, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों राहुल रॉय जी ने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत साल 1990 में आई आशिकी फिल्म से करी थी और इस फिल्म की लागत थी दोस्तों 90 लाख की और फिल्म ने दुनिया भर से 5 करोड़ 20 लाख की बम्पर कमाई करी और दोस्तों राहुल जी की पहली फिल्म ही दर्शकों को काफी पसंद आई और यह बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर हुई थी। इसके बाद 1991 में इनकी दूसरी फिल्म आई थी प्यार का साया और लागत थी इसकी 1 करोड़ 55 लाख की। फिल्म ने कमाई थी दोस्तों 1 करोड़ 80 लाख और यह फ्लॉप हुई थी। इसके बाद 1992 में राहुल जी की तीसरी फिल्म आई सपने साजन के और दोस्त 2 करोड़ 25 लाख की लागत से बनी फिल्म ने कमाई 3 करोड़ 60 लाख की और यह फ्लॉप हुई थी। इसके बाद आई थी गजब तमाशा, लागत थी फिल्म की 1 करोड़ 15 लाख की और इसने कमाई 1 करोड़ 3 लाख और यह डिजास्टर हुई थी। और दोस्तों इसी साल ही राहुल जी की फिल्म आई जुनून और इसकी लागत थी 1 करोड़ 15 लाख की और इसने कमाई 4 करोड़ 85 लाख और दोस्तों यह हिट हुई थी। इसके बाद आई थी जानम और लागत थी फिल्म की 50 लाख की, फिल्म ने कमाई थी 79,31,000 की और यह फ्लॉप हुई थी। इसके बाद आई दिलवाले कभी ना हारे और 1 करोड़ 25 लाख की लागत से बनी फिल्म ने कमाई मात्र 70 लाख की और यह डिजास्टर रही। इसके बाद 1993 में इनकी फिल्म आई थी गेम और लागत थी फिल्म की 1 करोड़ 25 लाख, कमाई करी इसने मात्र 90 लाख की और यह डिजास्टर रही। इसके बाद आई थी भूकंप और लागत थी फिल्म की 1 करोड़ 95 लाख की, कमाई करी थी इसने 1 करोड़ 70 लाख और दोस्तों यह भी डिजास्टर हुई थी। इसके बाद आई थी फिर तेरी कहानी याद आई और लागत थी 1 करोड़ 15 लाख की और इसने कमाई 2 करोड़ 12 लाख और यह बिलो एवरेज रही। इसके बाद आई थी गुमराह और लागत थी फिल्म की तो 2 करोड़ 50 लाख की, फिल्म ने दुनिया भर से 9 करोड़ 23 लाख की कमाई करी और दोस्तों इसी के साथ ही यह हिट रही। इसके बाद आई थी बारिश और लागत थी फिल्म की 40 लाख की, लेकिन इसने कमाई मात्र 32 लाख की और यह डिजास्टर रही। इसके बाद 1994 में इनकी फिल्म आई हंसते हंसते और यह डिजास्टर रही। इसके बाद 1996 में इनकी फिल्म आई मझधार और लागत थी फिल्म की 1 करोड़ 50 लाख की, लेकिन इसने कमाई मात्र 49 लाख की और यह डिजास्टर हुई थी। इसके बाद आई थी मेघा, लागत थी फिल्म की 80 लाख की, लेकिन कमाई इसने 61 लाख और यह भी डिजास्टर रही। अगली फिल्म आई राहुल जी की साल 1997 में धर्म कर्म और दोस्त, इसकी लागत थी 1 करोड़ 25 लाख की, लेकिन इसने कमाई 1 करोड़ 12 लाख और यह डिजास्टर करार दी गई। इसके बाद 1998 में इनकी फिल्म आई अचानक, फिल्म की लागत थी 4 करोड़ की और इसने कमाई 7 करोड़ की, लेकिन दोस्तों यह फ्लॉप हुई थी। और इसी साल ही राहुल जी की फिल्म आई थी नसीब और दोस्तों फिल्म की लागत थी 2 करोड़ की और इसने कमाई थी 2 ही करोड़ की और दोस्तों यह भी फ्लॉप हुई थी। वैसे दोस्तों यह मूवी मुझे तो काफी अच्छी लगी थी। इसके बाद 1999 में इनकी फिल्म आई फिर कभी और यह डिजास्टर रही। इसके बाद साल 2000 में आई थी तूने मेरा दिल ले लिया और यह डिजास्टर रही। इसके बाद 2001 में आई अफसाना दिलवालों का और यह डिजास्टर हुई थी। इसके बाद 2005 में आई मेरी आशिकी और लागत थी फिल्म की 60 लाख की और कमाई थी इसने 27 लाख और यह डिजास्टर हुई थी। इसके बाद 2006 में इनकी फिल्म आई चारमीनार बॉयस और इसके बाद आई थी बिपाशा और लागत थी फिल्म की 1 करोड़ की, लेकिन इसने कमाई करी मात्र 19 लाख और यह बुरी तरह डिजास्टर रही। इसके बाद आई रफ्ता रफ्ता और दोस्त 3 करोड़ की लागत से बनी इस फिल्म ने कमाई मात्र 40 लाख की और यह भी डिजास्टर हुई थी। इसके बाद आई नॉटी बॉय और लागत थी फिल्म की 1 करोड़ की,
लेकिन इसने कमाई मात्र 67 लाख की ही और यह भी डिजास्टर रही। इसके बाद आई थी विद्यार्थी और दोस्त, इसकी तो लागत थी 1,50,00,000 की, लेकिन इसने कमाई मात्र 3,00,000 की ही और यह तो बुरी तरह डिजास्टर हुई थी। इसके बाद साल 2008 में राहुल जी की फिल्म आई थी फिर तौबा तौबा और लागत थी फिल्म की 2,35,00,000 की और इसने कमाई 30,00,000 की और यह बुरी तरह डिजास्टर रही। इसके बाद 2010 में इनकी फिल्म आई थी डोंट ब्रेक माई हर्ट और दोस्त, इसकी लागत थी 60,00,000 की और इसकी कमाई हुई थी 1,55,000 की और यह तो डिजास्टर रही। और इसी साल ही आई थी अदा ए वे ऑफ लाइफ और इसकी लागत थी 1,00,00,000 की, लेकिन इसकी कमाई हुई मात्र 1,65,000 की और यह भी बुरी तरह डिजास्टर हुई थी। इसके बाद 2016 में इनकी फिल्म आई थी टू बी और नॉट टू बी और दोस्त, इसकी लागत थी 2,35,00,000 की, लेकिन इसकी कमाई हुई मात्र 35,00,000 की और यह डिजास्टर रही। इसके बाद 2019 में इनकी फिल्म आई द थिन लाइन और लागत थी 4,10,00,000 की और कमाई की इसने 2,70,00,000 की और दोस्त यह भी डिजास्टर हुई थी। इसके बाद साल 2020 में आई थी सयोनी और इसने कमाई 35,00,000 की और यह डिजास्टर रही। इसके बाद साल 2022 में आई थी लखनऊ जंक्शन और यह डिजास्टर रही। इसी साल ही आई थी LAC और दोस्त, इसके बाद आई थी स्माइल हर्ट्स और यह डिजास्टर रही। इसके बाद साल 2023 में इनकी फिल्म आई थी वॉक और इसके बाद आई थी आगरा। तो दोस्तों यह था राहुल रॉय जी का अब तक का फिल्मी सफर। आपने इन सभी फिल्मों में से इनकी कौन सी फिल्में देखी है हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों खत्म, बाय बाय, टाटा।